हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नाइट्स वाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ अभी सिंपल सा राइस, बिकॉज सुबह ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था। मैंने सुबह चाय बनाए थे, चाय के साथ अजवाइन वाले मोटे मोटे से पराठे, क्योंकि अभी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वो क्लासेस करने चला जाता है मॉर्निंग में। तो मैं और नायशा का सब्ज़ी, रात में मैंने बनाई थी कढ़ी, ये देखिए कढ़ी रखी हुई है। ये तो मैं बस अभी बनाने जा रही हूँ एक सिंपल सा जीरा राइस। और अजवाइन वाला आटा रखा हुआ है, नायशा के लिए पूड़ियाँ निकाल दूँगी तो वो सब्ज़ी के साथ खा। और नाशा ने आज ज़िद कर ली थी कि मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाऊंगी, मम्मा आप खिलाइए। तो ये देखिए मैं उसको खाना खिलाती हुई, क्योंकि वो कढ़ी में कभी भी पकौड़ियाँ नहीं खाती है, तो मैं उसको मिक्स करके खिला रही थी दोनों चीज़ें साथ में। और मैं भी फिर उसके साथ साथ खाने लगी थी, और खाना खाते खाते भी ये बहुत बातें करती है, देखिए। और ये मैं शॉप पर हूँ और मुझे कराने थे कर्ल्स एक्चुअली, तो ये मैं कर्ल्स कराने, क्योंकि मैंने कैरेटीन करा रखा है, तो कर्ल्स कराने के लिए अपने बालों को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये देखिए लॉरेल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरम, इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और इसके बारे में फुल डिटेल मैं किसी दिन आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करने का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ये मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊँगी। तो ये हीट प्रोटेक्टर का भी काम करता है, इसलिए मैंने पहले अपने बालों को कर्ल्स कराने से पहले इसको बालों में बहुत अच्छे से सविता से मसाज करवा ली थी, बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया था इसको बालों में, और उसके बाद फिर मैंने बालों में कर्ल्स कराए थे। और फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको यूज़ करने, लेकिन मैं इसका फुल वीडियो आपको, फुल रिव्यू मैं यूज़ के बाद ही बताऊँगी। हेलो, तो ये देखिए मिलियन से, उपासना से, ये दिल्ली से आई है और सिर्फ मुझसे मिलने आई है इतनी दूर से। जब आती है तो मुझसे मिलती ज़रूर है, कुछ वर्क कराना होता तो, लेकिन इसलिए मुझे इस बार और अच्छा लगा कि सिर्फ मुझसे मिलने आई है और मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई है। ये देखिए एक छोटा सा गिफ्ट। हाँ, और मेरे लिए, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा है, इतना प्यारा, कोई दिल से कुछ भी देता है वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा। मैं इसको डेफिनेटली पहनूंगी, आपको मेरे ब्लॉग में बहुत जल्द दिखेगा इसको पहने हुए। तो ओके, उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी, बिकॉज़ उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। उसने बताया हम लोगों को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग सब मिलने उससे चले गए। क्या कर रहे हो लेडीज लोग? और ये देखिए लोग आज किचन में, सब लोग इसके घर में होली में क्या बना रहे हैं, इधर आओ दिखाओ आके क्या बना रहे हैं। लोग सब लोग यहाँ पे ग्रिल सैंडविच बना रहे हैं। ये कौन है? ये सोनिया। ये देखिए पनीर मिक्स कर रही है। होली गंगा मेला है हमारे यहाँ, और सैंडविच बनाने जा रहे हैं। और बाकी बाकी कहाँ है? ये कौन है? ये देखो, और ये ग्रिल करने जा रही है, हम उसको देंगे बना के, तब ये ग्रिल करेगी। इधर लेके आओ, इसको दिखाओ बनाते हुए। मुश्किल काम है वो अब शिखा करने करेगी, और आप देखिए कितना बड़ा काम शिखा करेगी, मतलब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, शिखा सबसे जो टफ वाला वर्क है वो करेगी। उसने ले लिया है अपने हाथों में ये जिम्मेदारी ले ली है कि वो टफ काम करे, और ये लीजिए घर में क्या है, देखिए कितना टफ काम करने जा रही है बेटा, से 30 साल में ये देखिए देखिए कितनी महंगी और कितनी हैवी चीज़ थी है जो इसमें इस पर रखी है, ये लो इस पर रखा है। और हम सब
सब लोग ये देखिए उसके किचन में पूरा कब्जा कर लिया था। और हमारे यहाँ कानपुर में होली थोड़ा लंबे समय तक होती है, तो इसी बहाने हम लोग ने सबके एक दूसरे के कलर भी लगा दिया था, और ये तभी हमारे फेस पे कलर है। इसकी तबीयत नहीं सही थी तो हम लोग उससे मिलने आए हैं, तो हमने सोचा कि हम इसको कुछ बना के खिला लेते हैं, करने देंगे। तो फिर भी बेचारी लगी हुई है हमारे लिए किचन में, लेकिन हम लोग ने चाहा नहीं था कि वो भी काम करे। आज इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, थोड़ी थोड़ी हो गई है हम लोग को देख के। ये देखिए और देखिए हम लोग की सेवा में उनके हस्बैंड भी कोल्ड ड्रिंक दिखाइए, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक दिखाइए। ये देखिए फाइनली हमारा ग्रिल चीज सैंडविच बन के रेडी हो गया है, टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना। तुम लोग बैठो, तुम लोग को टेस्ट कराने के लिए दो मिनट लगा दे यार जल्दी से। आपको सैंडविच मिलेगी चीनी हर पार्टी किस पे। और सैंडविच कैसा बना है? अच्छा बना है, मेरे को साइड दो। टेस्टी है। ओ टू आवर्स लेटर देख रहा है गाइस, देखो मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ, और जब एक वीडियो शूट करते हैं तो कितना मैसी हो जाता है सब कुछ। देखिए मेरे रूम की हालत, और अभी भी मुझे ये देखिए मैं कुछ कुर्तीज़ के कलेक्शन दिखाना है तो उसके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। और चलो शूट करके मिलते हैं फिर, देखिए मेरा घर कितना मैसी हो रहा है। हेलो गाइस, और देखिए अभी मैं एक क्लोथ का वीडियो शूट कर रही थी, और पूरा मेरा रूम बिल्कुल, अभी मैंने आज ही अपने रूम की बेडशीट चेंज करी थी, रूम क्लीन किया था, बट वीडियो शूट करने के में एक वीडियो शूट करने में पूरा बेडरूम का हाल इधर से उधर हो जाता। और मैंने अभी मेकअप निकाल के मुंह धुला है अच्छे से, मेकअप को निकाला पहले, फिर उसके बाद फेस वॉश किया, अभी मैंने एक मॉइस्चराइज़र लगाया, अभी मुझे नाइट रूटीन करना है उसके बाद। बट पहले देखिए मेरे रूम की हाल देखिए, और ये देखिए पूरे कपड़े ये पड़े हुए हैं, स्लीपर्स यहाँ हैं, पूरे मेकअप इयररिंग्स मेरा ज्वेलरी बॉक्स सारी ज्वेलरीज निकली हुई है, तो इवन मेरी फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई, तो अभी वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, सारे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। नाशा भी थक गई हैं, और अभी मैंने सारे कपड़े तय लगा के रख दिए हैं, सारे शूज़ और स्लीपर्स को रखने हैं अभी। आज मैंने, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने दो तीन वीडियो एक साथ शूट करके रख लिए हैं, तो मैं कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे टाइम की बहुत वैल्यू रहती है। मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है तो मैं अपने जितने भी काम होते हैं उनको निपटाती हूँ, तो आज शाम को बहुत काम नहीं था कुछ भी, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने जो वीडियो पेंडिंग पड़े उनको शूट कर लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, और मैं सोचती हूँ कि जब तक आप काम कर सकते हो आप काम करो, जब आप काम नहीं कर पाओगे आपका शरीर साथ नहीं देगा तो ऑलरेडी आपको बैठना ही है, तो जितना आप कर सकते हो जितना आपका पॉसिबल हो उतना काम करते रहिए। बिकॉज काम करने से एक तो हमारी बॉडी तो चलती ही है, दिमाग भी चलता है। मुझे काम करने की कोई नीड नहीं है, हस्बैंड फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे कुछ करना था लाइफ में अपने लिए। मैंने आज तक कभी भी, मुझे पैसे मांगने अच्छे नहीं लगते हैं, हस्बैंड से तो मांग लेती हूँ, बट वैसे मुझे किसी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ, अगर ऊपर वाले ने मुझे कोई टैलेंट दिया है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ अच्छी चीज़ दी है जिसको मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ, सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर बैठी भी होती हूँ तो दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि हाँ, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ सबसे पहले प्लान करती हूँ कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है,
मैं क्या करूँ, मेरा पूरा दिन कैसे कटेगा। तो मैं उसकी लिस्ट बनाती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, अकेले पूरा घर मैनेज करती हूँ, बेटी को देखती हूँ, पेट को देखती हूँ, अभी को देखती हूँ, सलोन देखती हूँ। तो मुझे सारे कामों की एक लिस्ट बनानी होती है कि मैं अपने काम कैसे करूँ। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ के रोज़ एक लिस्ट बनाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या वर्क करना है, अपने सलोन से रिलेटेड कितने लोगों को, कितने क्लाइंट्स को फ़ोन करना है, शॉप पे क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसकी मॉर्निंग की लिस्ट, घर पे क्या चीज़ें नहीं हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो मैं सबसे पहले सुबह लिस्ट बनाती हूँ और जो काम होते जाते हैं उसको टिक करती जाती हूँ। तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ अपने टाइम को और खाली समय को कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ अपने सलोन से रिलेटेड, नए मेकअप टेक्निक्स, नया मेकअप कैसे करना है, क्या करना है। तो आप भी अपने समय को कभी भी ज़ाया ना जाने दें, टाइम बहुत बड़ी, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उस टाइम की वैल्यू को समझें। अगर टाइम रहते आप हर चीज़ कर लेते हैं तो आप अपने आप में संतुष्ट होते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड समझते हैं कि हाँ मैं अब पूरी तरह से अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। तो बस यही कि मैं देखो आज इतना सा फैल गया है, मुझे पता है कि मैंने जो वीडियो शूट करें उससे पूरा मेरा घर, कमरा, रूम मैसी हो गया है, बट काम है, करना है। तो अगर वो मैसी हुआ है तो फिर ठीक भी होगा, तो उस काम को भी हम करेंगे। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शूट किए हैं, तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़, क्योंकि हम बहुत लेडीज़ के ऊपर बहुत प्रेशर होता है अपने आप को साबित करने के लिए, और मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था स्टार्टिंग में अपने आप को साबित करने के लिए, बिकॉज़ हस्बैंड का था ना कि ये तो पैसे वेस्ट करेगी, किसी भी चीज़ में लगाएगी तो वेस्ट कर देगी, और इसकी एक ज़िद है। मैंने एक ज़िद कर ली थी कि मुझे पार्लर अपना ओपन करना है। मैंने VLCC से पूरा प्रोफेशनल कोर्स सीखा था, फिर उसके बाद नायशा आ गई, तो नायशा आने के बाद बच्चे की सारी जिम्मेदारी होती है, यू नो, उसको देखना उसको। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि तुम भूल जाओ कि अभी भी मतलब पार्लर से रिलेटेड या सलोन से रिलेटेड कुछ करोगी, तो क्योंकि नायशा की ज़िम्मेदारी थी और ये 5 years बाद हुई है। तो फिर नायशा जैसे ही 2-3 साल की हुई तो मुझे लगा कि अब टाइम है कुछ करने का, तो मैंने इनसे ज़िद कर ली थी कि मुझे अपना पार्लर ओपन करना है। तो इनको लगा कि कुछ करे वरेगी तो है नहीं और इससे पैसा वेस्ट कर रही है, बट मेरी ज़िद के आगे बेचारे झुक गए। तो उन्होंने मुझे एक रेंट की शॉप दिला दी थी जिस पे मैंने किया, तो उन्होंने कहा ये वेस्ट कर रही है पैसे और रेंट वेंट भी सब अपने पास से देना पड़ेगा, कुछ करेगी या नहीं। बट मैंने इस चीज़ को प्रूफ किया, मैंने फिर उनसे कभी भी पैसे नहीं मांगे, मैंने सारा रेंट देती थी मैं और शॉप का भी वर्क करती थी, आशा को भी देखती थी। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज पीरियड था कि इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया है कि ये कुछ कर नहीं पाएगी। फिर उसके बाद जब मैंने उनसे उस रेंट वाले शॉप से अर्न करना सीखा, तब मेरे हस्बैंड को मुझ पे बिलीव आया कि नहीं ये कुछ कर सकती है। फिर उन्होंने ऐसा घर भी ऐसा फिर सर्च किया जिस पे हम शॉप कर सकें सिर्फ उस बिलीव से, वरना मैं वो मुझे कभी भी पार्लर से रिलेटेड जॉब नहीं कराना चाहते थे। बट जब उनको बिलीव हुआ कि हाँ ठीक है चलो ये कुछ कर लेगी, तब और अभी भी जब घर पे हूँ तो मैं चाहूँ तो कुछ भी ना करूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने शॉप का वर्क करने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपका एक नाम हो आपके काम से। तो मुझे भी वही है बस कि लोग जाने, थोड़ा सा यूट्यूब किया जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब चालू किया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सर्कल ने मुझसे कहा कि तुम्हारा वर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते हो, अपने वर्क को यूट्यूब पे डालो। मुझे कुछ भी नहीं आता है यूट्यूब से रिलेटेड, इवन मैं कैमरा शाई थी बहुत ज़्यादा, बट अब जैसे जैसे मैं कर रही हूँ
तो थोड़ा सा कैमरे के सामने बोलना और बात करना आ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है मैं जो कर रही हूँ एटलीस्ट वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो यू नो कि लेडीज़ को अपने आप को प्रूफ करना भी बहुत पड़ता है, तो यूट्यूब इससे रिलेटेड भी लोगों ने बहुत कमेंट किया कि अरे कुछ नहीं होता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सब लोग यही करेंगे ये वो। तो मैंने कहा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, वो उनकी मर्ज़ी है, तो मैं भी ट्राई करती हूँ, जब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो फिर इस तरह, और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसी वजह से एटलीस्ट मैं बिज़ी रहती हूँ, मेरा दिमाग चलता है कि अब मुझे क्या करना है और कैसे नए कंटेंट लाने हैं, मैं ऐसा क्या करूँ कि थोड़े नए नए सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊँ, और इसीलिए मैं थोड़ा सा दिमाग चलाती रहती हूँ। और आज भी मैंने 4-5 वीडियो शूट करे हैं मेरे अपने फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड। तो अगर आपको थोड़े से भी मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स से को शेयर ज़रूर करें। तो बस आज का वीडियो यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। बाय बाय।